हेलो, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हुक्म सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 6 एंड 4 का एग्ज़ाम हुआ था। ये दोनों पेपर्स यानी कि 9 मई को दो शिफ्ट में पेपर हुए थे और 10 मई को केवल एक ही शिफ्ट में पेपर था। तो ये सारे पेपर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हम मैथ्स का पोर्शन इन पेपर्स का डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी देखिए दोस्तों, लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 के पेपर्स होने बाकी हैं, ठीक है। इन्हीं को टारगेट करते हुए हमने एक सीरीज चलाई है, मतलब आज से ही चलाई है। क्या करेंगे हम इसमें, देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के जितने भी पेपर्स हैं, इनमें से हम मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। इन जो ये लेवल्स हैं, इनका लेवल थोड़ा डाउन रहेगा सीबीटी 6 और यानी लेवल 6 और लेवल 4 से, ठीक है। तो कहीं हद तक ये इसी तरीके का पेपर आना है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए, ठीक है। आज देखिए, ये सीरीज़ का लेक्चर 1 ही है, तो आप यहाँ से अगर कंटिन्यू रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आज के इस लेक्चर में हम देखिए 1 फरवरी 2021 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, शिफ्ट आगे पीछे, डेट्स आगे पीछे हो सकते हैं, जिस तरीके से मुझे पेपर मिले हैं मैं उसी तरीके से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है, आपको कुछ फ़ायदा मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए इसको हमें ऐड करना है, योग करना है इसका, ठीक है। तो देखिए, ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अगर बेस सेम है तो आप ऊपर वाला ऐड कर दीजिए, 4 और 1 5/3, तो ये हो जाएगा। प्लस में ये और ऐड कर दीजिए इसमें, 3/4, ठीक है। तो कितना बनेगा, क्रॉस करिए, 5 चौक 20, प्लस में 3 3 9, अपॉन में 3 चौक 12 एलसीएम, यानी कि 20 और 9 29/12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है, बिंदु ए बी एंड सी ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित हैं, एंगल ए सी बी 47.5 है। पहले बना लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, मान लेते हैं ये एक सर्कल है और इस पर बिंदु स्थित हैं 3 ABC। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, और मान लेते हैं ये ओ इसका सेंटर है। क्या कह रहा है, एंगल ए सी बी 47.5 है। तो देखिए, मान लेते हैं ये दे रखा है हमें ए सी बी, ए सी बी कितना दे रखा है 47.5, और पूछा क्या है, एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो निकाल दीजिए, एंगल ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो देखिए, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत आती हैं तो आप देखिए कैसे कि भाई देखिए, ये जो आर्क है ना ए बी, इसके द्वारा सर्कमफेरेंस पर एंगल कितना गिवन है हमें 47.5, ठीक है। तो ये गिवन है हमें 47.5, और इसी आर्क द्वारा सेंटर पर एंगल कितना होगा, इसका डबल होगा नहीं होगा, ये हो जाएगा 95, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ यूनिट डिजिट है 2, 2 में 12 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 8 यूनिट डिजिट आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है, नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है और अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, मैं इसके लिए आपके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। पहले मान लेते हैं ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है, बी उसी काम को वाई दिनों में करता है, तो दो के लिए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस में वाई, यानी कि हम कह सकते हैं एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस में वाई, ये ट्रिक होती है। अब मैं आपको इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके बता देता हूँ कि कह रहा है, नरेंद्र उस एक कार्य को करता है कितने दिन में, नरेंद्र तो करता है 10 दिन में, ठीक है, और अमित करता है उसको 12 दिन में, ठीक है।
अब कह रहा है नरेंद्र प्लस में अमित दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखिए ऊपर तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी 10 × 12 अपॉन में नीचे इनका सम आएगा, 2 से काटिए 11 बार, 2 से काटिए 6 बार, तो बनेगा 10 × 60/11 आएगा हमारा 11 × 55, 5 सही 5/11 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही आपके लिए ट्रिक, ठीक है ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। बाकी मैं आपके लिए तरीका यानी कि कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, वो कैसे यानी कि एलसीएम मेथड से। कह रहा है कि नरेंद्र तो करता है 10 दिन में और अमित करता है 12 दिन में, तो इनका टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क हो जाएगा 10 और 12 का LCM 60। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 10 × 60 और 12 × 5 = 60, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 11, टोटल काम है 60 और 11 की एफिशिएंसी से कितना काम कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे, 5 सही 5/11 दिन में, ये इस हिसाब से आंसर है आपका। ठीक है, आई होप आपको ट्रिक भी अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ये इसका अंडर रूट आपको दे रखा है 54। ठीक है, तो आप इसके देखिए 29.16 है, तो यानी कि ये बन जाएगा हमारा 5.4। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना बेसिक आपको आता होगा। इसका बनेगा 0.54, ठीक है, इसका बनेगा 0.054 और इसका बनेगा 0.0054, इनको ऐड कर दीजिए, तो देखिए 4, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 5, 5.9994 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है नरेंद्र की माँ की आयु, नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है, मान लेते हैं ये नरेंद्र है और ये उसकी मदर है, तो कह रहा है नरेंद्र की आयु अगर 1 है तो मदर की 4 है, यानी कि 4 गुना है। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है 4 वर्ष पहले, देखिए अगर हम पहली स्टेटमेंट के हिसाब से अगर ऑप्शन देखते हैं, तो देखिए अगर ये नरेंद्र है और ये उसकी मदर है, तो देखिए इसमें भी 4 गुना है, इसमें भी 4 गुना है, 10 × 40, इसमें भी 5 × 20, इसमें भी 20 × 80। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहा है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले की बात करते हैं, तो उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी, तो देखिए 4 वर्ष पहले, देखिए अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं तो ये होगा 3 का नरेंद्र और उसकी माँ होगी 4 वर्ष पहले 24 की, क्या 3 का 24 6 गुना है, नहीं ये तो 8 गुना है, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 4 वर्ष पहले नरेंद्र होगा 6 का, अभी 10 का है, तो और ये उसकी माँ होगी 4 वर्ष पहले 36 की, क्या 36 6 का 6 गुना है, बिल्कुल 6 गुना, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ए रेशो बी गिवन है हमें 3:4, यानी ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, ठीक है इसमें पुट कर दीजिए, तो 5 गुना में ए की वैल्यू कितनी 3, माइनस में 3 गुना में बी की वैल्यू कितनी 4, ठीक है अपॉन में 7 गुना में 3 प्लस में 2 गुना में 4, बनेगा 5 × 15 माइनस 12 है अपॉन में 7 × 21 प्लस में 2 × 8, 15 में से 12 गए तो कितने बचे 3 अपॉन में 21 और 8 = 29, यानी कि हमारा आंसर होगा 3/29, ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, सीता एक होटल को 20 दिन में साफ़ कर सकती है, रीता उसी होटल को 30 दिनों में साफ़ कर सकती है, तो दोनों मिलकर होटल को कितने दिनों में, देखिए मैंने अभी बताया आपको, मैं ट्रिक वाला जो मेथड है उससे बता देता हूँ, कि कह रहा है सीता तो साफ़ करती है 20 दिनों में और रीता करती है उसको 30 दिनों में, ठीक है तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगी, यानी सीता प्लस में रीता, यानी कि ऊपर तो इनका मल्टीप्लाई आएगा 20 × 30 अपॉन में नीचे आएगा इनका सम 20 × 30 = 50, ठीक है 10 से 10, 5 × 20, तो आंसर आएगा हमारा 4 × 12, ठीक है ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है, ये बनेगा हमारा 6 और 3 9, 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, माइनस में 5 और 4 9, 9 × 5 = 45, तो 45 में से 3 गए तो माइनस का 42 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, ठीक है बना लेते हैं, मान लेते हैं ये वो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है कह रहा है इसके अंदर एक वर्ग खींचा गया, एक वृत्त खींचा गया, पहले अंतः वृत्त की त्रिज्या बोला है ना, तो देखिए
एक मिनट, ठीक है मान लेते हैं ये वृत्त है, अंतःवृत्त, और इसके अंदर कह रहा है एक वर्ग खींचा गया है, तो एक वर्ग भी खींच लीजिए इसके अंदर। तो देखिए मान लेते हैं ये वो वर्ग है इसके अंदर, ठीक है। कह रहा है अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो यदि त्रिभुज की एक भुजा एक्स है, तो देखिए अगर इस त्रिभुज की भुजा एक्स है तो तीनों भुजा एक्स एक्स होंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको यहाँ मेन जो पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं इसका सेंटर ओ है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आर कितनी होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है यानी साइड अपॉन में 2√3, तो साइड है एक्स अपॉन में 2√3। तो देखिए जो इस वृत्त का व्यास होगा, डायामीटर होगा, वो इस वर्ग का क्या होगा, डायगनल होगा। तो हम कह सकते हैं डायगनल बराबर 2R बराबर यानी कि एक्स अपॉन में √3, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डायगनल आ जाएगा हमारा एक्स अपॉन में √3। और आपको पता होना चाहिए अगर हमारी वृत्त की साइड ए है, ठीक है, अगर हमारे देखिए अगर हमारे वृत्त की साइड अगर ए है, ए, ठीक है, तो हमारा डायगनल क्या होता है, डायगनल होता है हमारा √2a, ठीक है। तो डायगनल की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन में √3 और बराबर √2a। तो हमारा यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन में √6। अब कह रहा है ये साइड नहीं, आपको एरिया बताना है, तो एरिया होता है ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर हो जाएगा यानी एक्स स्क्वेयर अपॉन में 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है, यानी बिग मार्ट अगर कार्ड से आप भुगतान करते हो तो 5% की छूट देता है। किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का आपको तरीका पता होना चाहिए कि MP और CP का रेशियो आप लिखिए, ठीक है, यानी कि जो छूट है उसको तो आप CP के नीचे लिख दीजिए, तो यानी कि 95%, ठीक है, और जो लाभ हानि है उसको आप MP के नीचे लिखिए, लाभ है तो 110%, ठीक है, दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो देखिए ये परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, तो 5 से काटिए, 22 × 5 = 110 और 5 से काटेंगे तो 19 × 5 = 95। अब ये तो है हमारा क्रय मूल्य, तो कह रहा है क्रय मूल्य से इस MRP को कितना अधिक अंकित करना चाहिए, 3। तो देखिए 3 अंकित करना चाहिए, कितने से, 19 से, तो 100% यानी परसेंटेज के लिए गुना में 100 यानी 300/19, तो भाग दीजिए 19 × 1 = 19, बचे कितने, 11, 19 × 5 = 95, बचे कितने, 15 अपॉन में 19, यानी कि 15 सही, 15/19% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। करें कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 39.20 है, उनमें से 3 के प्राप्तांक 41 हैं, तो 2 के प्राप्तांक कितने हैं। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, टोटल छात्र हैं 5 जिनकी एवरेज हमें गिवन है 39.20, ठीक है, उनमें से 3 की जो एवरेज है वो है 41 कह रहा है, बाकी के 2 की एवरेज बता दीजिए कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए 39.20 सभी की एवरेज है, उनमें से 3 की 41 है, ये इससे कितनी ज़्यादा है, यानी 1.80, कितने पे ज़्यादा है, 3 पे, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो हम कह सकते हैं प्लस का 5.4 ज़्यादा है, तो यानी कि जो इन बाकी के 2 की जो एवरेज होगी, एवरेज होगी ना, जो एवरेज से 5.4 कम होगी, तो यानी कि 39.20 तो एवरेज है, इसमें से कमी होगी कितने की, 5.4 की, और कितने पर कमी होगी, इन 2 पर, तो 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करिए इसको, कितना बनेगा, 39.20 में से आप 2.7 घटा दीजिए, ठीक है, कितना बचेगा, 0, 12 में से 7 गए तो 5 और 38 में से 2 गए तो 36.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका HCF बताना है। तो देखिए अगर आपको HCF निकालना है तो देखिए क्या इसमें 3 छिपा है, इसमें 3 है, इसमें भी 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 3 है,
तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे आप नौ, यहाँ से देखेंगे नौ, यहाँ से देखेंगे नौ, तो आपका आंसर हो जाएगा HCF हो जाएगा आपका कितना, नौ। ये आंसर है, ठीक है, ऑप्शन वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जॉन, जॉनी और जनार्दन खेत में किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 और 24 दिन में करते हैं, वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एक तो है जॉन, एक है जॉनी और एक है जनार्दन, ठीक है। जॉन करता है 6 दिन में, जॉनी करता है 12 दिन में और जनार्दन करता है 24 दिन में। तो टोटल वर्क मान लीजिए, टोटल वर्क कितना आ जाएगा इन तीनों का एलसीएम यानी कि 24, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो देखिए जॉन की एफिशिएंसी आ जाएगी 6 चौक 24 4, जॉनी की आ जाएगी 12 दूनी 24 2 और जनार्दन की आ जाएगी 24 एकम 24 यानी कि 1। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 4 2 6 और 1 7, ठीक है। तो टोटल काम कितना है जी, 24, कितने की एफिशिएंसी से, 7 की एफिशिएंसी, कितना दिन लगेगा, 7 या 21 बचे 3/7 यानी 3 सही 3/7 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप मुझे खुद बताइए, मान लेते हैं CP 100 है, ठीक है, उसने मार्क कर दिया 20% ज़्यादा, तो उसने उसमें MRP डाल दी, उसने 120। अब वो 20% की छूट दे रहा है, अगर 20% की छूट दे रहा है तो आप मुझे बताइए कि इसका 10% कितना होगा, 12 यानी कि 24, 12 दून 24, 20% हो जाएगा 24 यानी 24 की छूट देगा, तो बेचेगा कितने में, 96 में। अब आप देखिए 100 रुपये की चीज़ अगर वो 96 की बेच रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है, 4% का, क्योंकि 100 पर ही होता है परसेंटेज, तो 4% हमारा आंसर आ जाएगा लॉस, ऑप्शन दो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का वनमन कोण 45 है। तो देखिए 150 ही आंसर हो जाएगा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये बोल रहा है कि इसकी हाइट है वो है 150, ठीक है, और ये एंगल 45 है। तो ये एंगल अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, 45 के सामने अगर 150 है तो इस 45 के सामने भी 150 होगी, ये आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटे में कितने खंभों को पार करेगी, ठीक है। ये दिया गया है कि रेल मार्ग पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में एक खंभे को पार कर लेती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो देखिए मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, क्या कि डिस्टेंस बराबर n-1 × x, ठीक है। अब ये n-1 × x क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये क्या है आपके लिए ट्रिक, ठीक है। देखिए n तो है यहाँ नंबर ऑफ पिलर्स, ठीक है, और x क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स, ठीक है। अब आप रखिए, देखिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 गुना में समय यानी कि 45 दूनी 90 दूनी 180, 180 और फिर 3 0 यानी कि मीटर, ये होगी डिस्टेंस बराबर। नंबर ऑफ पिलर्स हमें निकालने हैं n-1 × दो खंभों के बीच की डिस्टेंस है x, वो कितनी दे रखी है आपको 50, ठीक है, तो 50 से गुना कर दीजिए। तो देखिए ये बनेगा हमारा 50 n-50 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 120 और यहाँ 50 आएगा बराबर 50 n, ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। तो देखिए 10 से तो 10 5 से भाग दीजिए, 5 3 15 बचे 3, 5 6 30 0, 5 1 5 तो 3601 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। कह रहा है देखिए एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने जिसने 47% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 52,05,000 मतों के अंतर से हारा। मान लेते हैं एक
विनर है और एक लूजर है। तो देखिए, लूजर ने यानी हारने वाले ने अगर 37% मत प्राप्त करे हैं तो जीतने वाले ने कितने प्राप्त करे होंगे, 63%। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कितने से वो हारा है, तो 13 में से 7 गए तो 6, और 5 में से 3 गए तो 2, यानी 26% से, और सवाल के हिसाब से 5,20,000 से हारा है। ठीक है, तो देखिए, तो 26% की वैल्यू 5,20,000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 दूनी यानी कि 20,000। तो कह रहा है कुल मत बताइए, यानी कि 100% की वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो देखिए 2 जीरो रख दीजिए इस पे, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है। तो देखिए, मैं आपको इसका बिल्कुल बेसिक से लेके फॉर्मूले से लेके हर तरीके से बताता हूँ। पहले आप इसके फैक्टर लिख लीजिए, गुणनखंड लिख लीजिए, कितने बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी बनेगा, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40 और बनेगा आपका 60 और 120। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हो गए, आप काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हैं जी आपके, टोटल फैक्टर हैं 16। ठीक है, अब आप देखिए इसमें से पहले विषम देखिए, विषम कितने हैं, विषम देखिए 1, 2, 3 और 4, बाकी सब सम है। तो देखिए यहाँ ओड फैक्टर हो जाएंगे हमारे कितने, 4, तो आप मुझे बता दीजिए इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, टोटल 16 हैं तो 12, तो यानी 4 और 12 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अगर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स ज़्यादा होते तो हम किस तरीके से निकालते, तो मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। आप करिए क्या, इनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ लीजिए 120 को। ठीक है, पेन का थोड़ा देखता हूँ, देखिए अगर आप इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1, ठीक है, ये बन जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। तो इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, देखिए ये इसकी फॉर्म होती है, ये होती है हमारी a की पावर p, b की पावर q इंटू में c की पावर r। ठीक है, तो आपके टोटल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है p+1 इंटू में q+1 इंटू में r+1। ठीक है, ये बन जाएगा, तो देखिए यहाँ से पी क्या है आपके लिए, 3, 3 और 1 4, यानी 3+1 इंटू में 1+1, ये है आपका क्यू, यानी 1+1। ठीक है, ये बनेगा आपका 1+1, ये है आर, यानी 1+1। ठीक है, कितना बन जाएगा आपका, 4 × 2 × 2 कितना, 4 × 2 = 8 × 2 = 16। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर 16 आ गए जो हमने यहाँ निकाले थे। ठीक है, अब आप निकालिए क्या, ओड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। ठीक है, ओड निकाल लीजिए या इवन निकाल लीजिए, तो आप ओड फैक्टर्स निकालिए। ठीक है, कितना बनेगा ओड, देखिए ओड का फॉर्मूला होता है 2 की पावर 0 इंटू में r+1 इंटू में यहाँ क्यू लिखिए, q+1 इंटू में r+1। ठीक है, 2 की पावर 0 हमने क्यों लिखी है, क्योंकि 2 की पावर 0 हमारी होती है 1। ठीक है, और क्योंकि हमें ओड बनाना है, ओड फैक्टर निकालने हैं, तो बाहर 1 हमने कर दिया, 2, क्योंकि 2 से गुना करते तो वो इवन ही बन जाता, इसलिए हमने 2 को पहले 1 बना लिया। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए कितना बनेगा, 2 की पावर 0 बनेगा आपका 1 इंटू में 1 और 1 2 इंटू में 1 और 1 2, तो कितना आ जाएगा, 4, तो ओड फैक्टर आ गया आपके 4। ठीक है, तो अब आप निकाल सकते हैं, टोटल आपने निकाल लिए, ओड निकाल लिए तो इवन 12 बचे, बाकी मैं आपको इवन का भी तरीका बता देता हूँ, इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं।
देखिए E1 के लिए आप क्या करेंगे कि आपको P एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, तो Q प्लस वन इंटू में R प्लस वन, ठीक है। तो देखिए P कितना है आपका, आप निकाल चुके हो, ये रहा तीन, ठीक है, तो तीन एज इट इज लिखिए, इंटू में वन प्लस वन दो, इंटू में वन प्लस वन कितना बनेगा दो, यानी तीन दूनी छः दूनी बारह आ गया आपका, बारह आ गया आपका कितना इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, तो यानी कि चार और बारह आपके आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमें दो गिवन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बताइए। तो देखिए अगर हमारा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दो है तो इसका मतलब ये भी वन है और ये भी वन है, ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू ही वन है, ठीक है, तो आप यहाँ रखेंगे तो वन प्लस में वन दो ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप अगर दो नहीं होता तो आप कुछ भी होता, अगर हम एक्स प्लस में वन अपॉन एक्स बराबर ए गिवन है तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस में टू, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर दो गिवन है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर होगा हमारा दो दूनी चार माइनस में दो यानी कि दो, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इसका हमें मान निकालना है, तो आप कुछ नहीं करिए, आप रैशलाइजेशन कर दीजिए, अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आप सबसे पहले रैशलाइजेशन कर दीजिए, रूट टू प्लस में वन तो इंटू में रूट टू माइनस वन इंटू में रूट टू माइनस वन, नीचे तो बनेगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यानी दो माइनस वन नीचे तो वन बन जाएगा, ठीक है। ऊपर देखिए गुना करिए चार की रूट टू से तो फोर रूट टू, माइनस में चार की वन से करेंगे तो माइनस का चार, ठीक है, रूट टू की रूट टू से करेंगे तो प्लस का दो, और रूट टू की माइनस वन से करेंगे तो माइनस का रूट टू, चार में से नीचे तो वन ही है, ठीक है, चार में से रूट टू गए तो यानी कि थ्री रूट टू, और चार में से दो गए तो माइनस का टू, थ्री रूट टू माइनस टू हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन तीन हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 50 से तो विभाज्य हैं लेकिन 100 से नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर 50 से हैं 100 से नहीं है तो इसका मतलब देखिए पाँच पंजे 25, 25 एक तो खुद हो जाएगा, ठीक है, तो 25 तो देखिए एक तो 25 चौका 100 एक ये हो जाएगा, 25 तीन 75 हो जाएगा, 25 खुद हो जाएगा, 25 सत्तर 175 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे गुणनखंड जो 50 से तो विभाज्य हैं लेकिन 100 से नहीं है, तो आपके चार हो गए, ऑप्शन तीन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है, क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कह रहा है ये कि पहले इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो यहाँ 30 था और बाद में यहाँ से 30 मीटर चलने के बाद हो गया कितना 60, ठीक है, ठीक है जी। उस बिजली के खंभे की ऊंचाई बताइए तो h बता दीजिए। तो देखिए ये तो इजी सा क्वेश्चन है, देखिए अगर ये 30 है मैं टोटल को मान लेता हूँ x, तो ये कितना बचेगा x माइनस 30 बचेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो अब आप निकालिए, देखिए दोनों केस में आप h निकाल सकते हैं तो आराम से हो जाएगा। देखिए टेन 60 के नहीं तो आप वैल्यू पुट कर लिए, 60 के सामने रूट थ्री और 30 के सामने वन, देखिए भाई ये 60 है तो ये 30 है, ठीक है, 30 के सामने यहाँ होती है वन, 60 के सामने होती है रूट थ्री, ठीक है, तो अगर वन की वैल्यू एक्स माइनस 30 है तो रूट थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से की एच की वैल्यू हो जाएगी, अगर वन की वैल्यू इतनी है तो रूट थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि एक्स माइनस तीन इंटू में रूट थ्री हो जाएगी, ठीक है, इक्वेशन वन मान लीजिए।
अब आप दूसरी में देखिए, बड़ी वाली ट्रायंगल में अगर ये एंगल देखिए, अगर ये एंगल 30 है तो ये पूरा एंगल कितने का होगा, 60 का। तो 60 के सामने, 60 के सामने कितना होगा, रूट थ्री, ठीक है। और 30 के सामने कितना होगा, 1, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू h है, ठीक है, 1 की वैल्यू अगर h है तो रूट थ्री की वैल्यू कितनी होगी, रूट थ्री एच, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू h है, ठीक है, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने रूट थ्री, ठीक है। अगर देखिए, अगर रूट थ्री की वैल्यू, ऐसे करिए आप, अगर रूट थ्री की वैल्यू x है तो आप 1 की वैल्यू निकालिए, 1 यानी कि h की वैल्यू कितनी होगी, x अपॉन में रूट थ्री, ठीक है। तो यहाँ से आप रखिए h बराबर x अपॉन में रूट थ्री, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए x माइनस 30 इंटू में रूट थ्री बराबर x अपॉन में रूट थ्री, क्रॉस करेंगे तो 3 बन जाएगा, और 3 से अंदर गुना करेंगे तो 3x माइनस में 90 बराबर बनेगा हमारा x। तो देखिए इस x को इधर ले आइए, 2x बराबर बनेगा हमारा कितना, उधर जाके बनेगा हमारा 90, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45, ठीक है। अगर x की वैल्यू 45 है तो आप, हमें निकालनी है h, तो आप यहाँ रख दीजिए x की वैल्यू, ठीक है। तो आपका कितनी आ जाएगी, देखिए 45 अपॉन में रूट थ्री, ठीक है, तो बनेगा हमारा 15 रूट थ्री, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, तो पहले इसको सॉल्व करिए। देखिए 8 और 3 11, 11 में से 6 गए तो 5, और 4 में से, देखिए 8 और 3 11, 11 में 6 गए तो कितना बचा, प्लस का 5, और 4 में से 5 गए तो यानी माइनस 1, 15 में से माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 1, तो यानी कि 16 बनेगा, और 20 में से 16 जाएगा तो हमारा आंसर होगा 4, ऑप्शन 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए कह रहा है इनका कंपाउंड रेशियो क्या होगा। कंपाउंड रेशियो आपको पता होना चाहिए, कैसे लिखते हैं, देखिए मान लेते हैं ए रेशियो बी है, फिर सी रेशियो डी है, फिर ई रेशियो एफ है। अगर इनको हमें कंपाउंड रेशियो में लिखना है तो आप लिखेंगे ए अपॉन बी इंटू में सी अपॉन डी इंटू में ई अपॉन एफ, ठीक है। तो आप इनको लिखिए 45 अपॉन में 75 इंटू में 3/5 इंटू में 51/68 इंटू में 256/81, ठीक है। इनको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए अगर इनको काटते हैं तो 17 * 51, 17 * 64 = 68, ठीक है, और 9 से काटिए, 9 * 5 = 45, 9 * 9 = 81, 5 से 5 कट जाएगा, 3 * 3 = 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 * 6 = 24, 4 * 4 = 16, तो 64/75 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए बना लेते हैं पहले, देखिए ये मान लेते हैं एक सर्कल है और चक्रीय चतुर्भुज इसी के अंदर बनेगा, ठीक है। तो बना लेते हैं, देखिए मान, और ये ए बी सी बोल रहा है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज है। क्या बोला है कि ए बी और सी एक समबाहु त्रिभुज है और ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज, तो ये है वो चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है। और मान लेते हैं ये इसका
सर्कल का सेंटर है ओ, तो क्या कह रहा है, एंगल सी डी ए बताइए, सी डी ए यानी कि ये एंगल बताना है। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन हो गया आपके लिए भाई। हमें पता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का, ठीक है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन तीन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है उन दो गोलों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल। देखिए अगर एरिया का रेशियो हमें 1:4 दे रखा है तो इनके रेडियस का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा क्यूब की फॉर्म में, 1:8, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन तीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि 8/5 के बराबर हो जाती है। तो देखिए अगर पहले हमारा प्रिंसिपल 5 था और अमाउंट हो गया कितना 8, तो आप मुझे बताइए कितने का SI मिला, 3 का। तो देखिए 5 मूलधन गुना में दर हमें निकालनी है, टाइम दे रखा है, समय 5/100 बराबर SI यानी कि 3, ठीक है। आप काट लीजिए 5×5=25, 4×100, तो यहाँ से रेट आ जाएगी आपकी 4×3=12% आंसर होगा, ऑप्शन 4 हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है देखिए 37x30 मीटर माप वाला एक आयताकार पार्क में अंदर की ओर एक रास्ता बना हुआ है जो 570 मीटर जगह घेरता है, यानी कि उसका रास्ते का एरिया दे रखा है, रास्ते की चौड़ाई बताइए। तो देखिए मैं आपके लिए एक इसका डायरेक्ट शॉर्टकट यानी कि आप ट्रिक बोल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए पहले आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ। मान लेते हैं ये वो आयताकार पार्क है और ये इसके अंदर वो रास्ता बना हुआ है, और देखिए ये है वो रास्ता, इसकी हमें एरिया दे रखा है इसका, और हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है इसकी चौड़ाई, ठीक है। और मान लेते हैं इसकी जो चौड़ाई है इसकी, वो मान लेते हैं हम एक्स, ठीक है एक्स। तो इस रास्ते का जो एरिया होता है वो होता है 2x इंटू में एल प्लस में बी माइनस में 2x, ये है वो ट्रिक, डायरेक्ट आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आप देखिए एरिया दे रखा है हमें 570, लिख दीजिए बराबर 2x, x हमें निकालना है तो 2x को 2x रहने दो, ठीक है। L प्लस B यानी 37 प्लस में 30 कितना हो गया, 67, ठीक है, माइनस में 2x, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट करिए, ऑप्शन से उठाइए, जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं 10, ठीक है, तो 10 देखेंगे तो 10×2=20 बनेगा, इंटू में 67 में से 20 गए तो 47 बनेगा, 47×2=54 यानी कि 540 बनेगा, जबकि 570 आना नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम अपना आंसर ही चेक कर लेते हैं, 5 वैल्यू पुट करिए, ठीक है। तो देखिए अगर 5 पुट करेंगे तो 5×10 इंटू में 67 में से 10 गए तो 57 यानी कि 570 आ गया हमारा, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक वस्तु को 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है भाई, 390 जो वैल्यू गिवन है हमें 120 की वैल्यू गिवन है, और आपसे पूछा है CP 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो 10 से 10 काट लो, 3 से काटेंगे 3×4=12, 3 से काटेंगे 13×3=39, ठीक है। 2 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 65 बार, और 2 से काटिए 5 बार, गुना करिए 5×5=25, 2×5×30=32 यानी कि 325 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
देखिए ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, इसको आप छोड़ सकते हैं, ये गलती से ऐड हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस वर्ष में कंपनी ए और कंपनी बी द्वारा की गई बिक्री का अंतर न्यूनतम रहा? तो आप देखिए यहाँ कितने का अंतर है 2000 में। देखिए पहले आप ऑप्शन ही उठा लीजिए ना, ठीक है। देखिए और 2002 में चेक कीजिए, 2002 में देखिए 20 और 10 का अंतर कितना है, 10 का। और 2003 चेक कीजिए, 2003 में देखिए 80 और 70 का अंतर, 10 का, ठीक है। 2005 चेक कीजिए, 2005 में 60 और 50 का अंतर, 10 का। 2006 चेक कीजिए, तो दोनों एक ही पॉइंट पे यहाँ अंतर है 0, इसलिए ऑप्शन 4 हमारा 2006 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन लीजिए, क्या करें। यदि बल्बों की एक निश्चित मात्रा के लिए निर्माता को मोल्डिंग लागत के रूप में 28,400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, मोल्डिंग का देखिए कौन सा है कलर, मोल्डिंग का है ब्लू कलर, तो देखिए ये तो हम कह सकते हैं 20% की वैल्यू है ये, 28,400, ये 20% की वैल्यू है। हमसे पूछा क्या है, तो कॉपीराइट खर्च के लिए कितना रुपये खर्च, कॉपीराइट का देखिए रेड कलर, तो यानी कि 15% की वैल्यू हमसे पूछी है, गुना में 15 कर दीजिए, 10 से 10, 2 से काटिए 14, 20 गुना करिए 15, 0, 15 दूनी 30, 3, 15 चौका 60 और 3 63, 6 15 15 और 6, 21,300 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है हमें। तो देखिए जो सबसे बड़ा होता है नेगेटिव में वो सबसे छोटा होता है, तो सबसे पहले तो 1 आएगा, 1 कौन से में, एक ही ऑप्शन में, तो आप देख सकते हैं। फिर इससे ये आ जाएगा 4 आएगा, फिर 3 आएगा देखिए, फिर आएगा आपका 5, फिर आएगा आपका 2, तो एक ही ऑप्शन है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, यानी कि मान लेते हैं ये डॉटर है और ये उसकी मदर है, तो कह रहा है उस माँ की आयु 3 गुनी है वर्तमान में, प्रेजेंट में, ठीक है। कह रहा है 5 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु से 4 गुना थी, तो देखिए 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो यानी कि अगर इसकी आयु 1 थी तो इसकी आयु 4 थी। अब आप देखिए आपको पता होना चाहिए थ्रू आउट द एज इनका जो डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है, यहाँ डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 3 का, तो आप गुना कीजिए, बराबर कीजिए इस डिफरेंस को, यहाँ गुना कीजिए तो बनेगा 3 एकम 3, और यही वाला डिफरेंस आप यहाँ गुना करिए नीचे, 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है। और ये वाला डिफरेंस आप यहाँ गुना कीजिए, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो आप देखिए यहाँ भी डिफरेंस 6 का है, यहाँ भी 6 का है। अब आप मुझे बताइए कि आपका हो गया 2 से, ठीक है, तो देखिए कह रहा है 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो यानी कि 2 से 3 हो गया, यानी कि 1 की वैल्यू ही 5 है, ठीक है, 1 की वैल्यू 5 है, तो कह रहा है उसकी वर्तमान आयु बताइए पुत्री की, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है 3, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, ये हमारा आंसर है 15, ऑप्शन 3, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे, मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है, ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप मेरे YouTube चैनल एग्जाम मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले आपके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर आपको जो लेक्चर मैंने आपको समझाया है इसी यानी इसी सॉल्यूशन के साथ अगर आपको PDF चाहिए, तो आप मेरे ये टेलीग्राम चैनल है HS एग्जाम मैथ्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आप डलवा दूँगा, ठीक है। तो देखिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।